गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं बीरबल कुमार आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के बीस कोचिंग पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी को क्लास 10 के गणित में बहुपद के पहले प्रश्नावली में शेष क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। यानी कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पिछले क्लास में बहुपद के पहले प्रश्नावली के 3 तक मैंने सॉल्व करा दिया था, यानी आज हम लोग 4 से आगे देखेंगे। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा जरूर देखें और अंत में लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, क्लास 10 में बहुपद को पहली प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं और इसमें 4 नंबर क्वेश्चन से मैं सॉल्व कराऊँगा। तो क्वेश्चन है, प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनकी शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। यानी कि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और इसके लिए हमें दिया गया है शून्यकों का योग और गुणनफल। ओके, यानी योग और गुणनफल से हमें बहुपद प्राप्त करना है। तो आइए बिल्कुल ही हम साधारण और सरल भाषा में आपको बताऊंगा। पहले प्रश्न को लेते हैं, यानी एक नंबर का हम लोग हल करते हैं, ठीक है। तो आपको पहले ही कह रहा है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 0, ठीक है। और योग के लिए सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, और हम लोग 0 को 0/1 लिखें तो इससे 1 में 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 ही होगा, तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, क्योंकि प्रश्न में आपसे कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना दिया है √5 है, और ये सूत्र होता है C/A, और √5 को हम लोग √5/1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि √5 में हम लोग 1 से भाग दें तो क्या होगा 5 ही होगा। इसलिए हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि a के सामने 1 है, यहाँ भी a के सामने 1 है, तो a = 1 लिख देंगे, और b के सामने क्या है, b के सामने 0 है, तो b = 0 हो गया, और c के सामने क्या है, c के सामने √5 है, तो √5 लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को योग और गुणनफल से a b c निकाल लेना है। a b c निकालने के बाद क्या करना है कि हम यहाँ लिखेंगे, अब लिखने के बाद लिखेंगे द्विघात बहुपद के मूल रूप, द्विघात बहुपद के मूल रूप। चूंकि मैंने बहुपद के फर्स्ट जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें मैंने बहुपद के प्रकार, उसकी परिभाषा, कौन बहुपद है नहीं है ना, उसमें मूल रूप सब पढ़ाए थे। तो बहुपद की, द्विघात बहुपद के मूल रूप क्या होता है आप सभी को पता होगा, a² + bx + c, यही ना होता है। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ a है वहाँ a का मान रखेंगे, यानी a की जगह पे क्या रख देंगे, 1 है तो 1 रख देंगे यहाँ पे, गुणे x² प्लस बी के जगह पे क्या रखेंगे 0 गुणे x, और c के जगह पे क्या रखेंगे √5 रखेंगे। तो ये गुना करिए, x² में 1 से करेंगे तो x² हो जाएगा, और 0 से x में गुना करेंगे तो 0 हो गया ना, खत्म हो गया, और ये क्या हो गया √5। इस तरह से हमें बहुपद यानी px प्राप्त हो गया x² + √5, और यही हमें प्राप्त करना था, ठीक है, बिल्कुल ही आसान भाषा में। अब इसी आधार पे हम लोग दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। तो आइए दूसरे को, तो हम लोग देखेंगे दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न में हमें अल्फा प्लस बीटा क्या प्राप्त है, -3, ठीक है, और ये सूत्र होता है -b/a, और -3 को यदि हम लिखें -3/1, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि -3 में 1 से भाग देंगे तो -3 ही होगा ना। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी α/β, और ये कितना दिया है 2, तो ये होता है c/a, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a,
और दो को हम लोग अगर दो बटी एक लिखे तो दो ही होने वाला है ना, दो में एक से भाग दें तो दो ही होगा, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब इस तरह से हमने ए का वैल्यू प्राप्त हो गया, ए के सामने देखिए वन है, यहाँ भी वन है, यानी ए बराबर वन, बी बराबर, बी के सामने देखिए तो माइनस तीन है। हम एक बात आप लोग को बता दें कि जब भी बी लेने जाइएगा ना तो उसकी मान में जो भी चिन्ह होगा उसका उल्टा लीजिएगा, यदि प्लस दिया हो तो माइनस, माइनस दिया तो प्लस, यानी कि यहाँ माइनस तीन दिया है तो हम क्या लेंगे, प्लस तीन, क्योंकि इसमें माइनस इसीलिए मैंने ये बताया। और c बराबर c के सामने क्या है, दो, तो यहाँ दो रख लेंगे। अब लिखेंगे अब द्विघात, द्विघात बहुपद के मूल रूप, अब बताइए द्विघात बहुपद के मूल रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो सब जानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से ए बी और सी, यानी ये और ये मान रख देंगे यहाँ पे, यानी कि ए का मान वन है तो वन गुण एक्स स्क्वायर, बी का मान तीन है तो तीन गुण एक्स, और सी के जगह पे क्या रख देंगे, दो रख देंगे, यानी कि वन गुण एक्स स्क्वायर होगा, तीन गुण एक्स तीन एक्स होगा, और यहाँ दो। इस तरह से हमें बहुपद प्राप्त हो गया, ठीक है। तो बोलिए अब तो समझ में आने लगा आप लोग को, अब हम लोग इसी आधार पर तीसरे को करेंगे, तो मैं साथ ही अब ज़्यादा नहीं मिटाऊंगा, सामने ही रखता हूँ, तो हम लोग को बार बार क्या मान हटाना है, ये हटा लेते हैं और ये भी सी का मान हटाएंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ से परिवर्तन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री को जब सॉल्व करने जाएंगे तो क्या करेंगे, देखिए इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो थ्री के लिए योग कितना दिया है, शून्यकों का योग वन दिया था, वन रखेंगे और वन के लिए वन बाई वन कर सकते हैं ना, वन बाई वन करेंगे तो वन ही होगा, और शून्यकों का गुणनफल वन है तो यहाँ भी वन बाई वन करेंगे, वन में वन से भाग देंगे तो वन ही होगा। ये करने से हमें क्या फायदा होगा, ए का मान प्राप्त हो जाएगा, बी का होगा और सी का होगा, क्योंकि हमें मूल रूप में रखना है। तो देखिए तो ए के सामने क्या है, वन, यहाँ भी वन है तो ए बराबर वन, बी के सामने क्या है, प्लस वन है, तो मैंने कहा था ना कि उल्टा चिन्ह लेना है, उसके बाद सी के सामने क्या है, वन, तो वन रखेंगे, अब ए बी सी का मान यहाँ रख देंगे, यानी कि वन गुणे एक्स स्क्वायर, ए की जगह पे वन क्या है, ए का मान रख दिया, बी के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस वन का मान रखेंगे, और इन टू हो गया एक्स, और प्लस सी, सी के जगह पे क्या रखेंगे वन, यानी कि ये हो गया वन गुणे एक्स स्क्वायर और एक्स में माइनस वन से करेंगे तो माइनस एक्स और प्लस वन। तो इस तरह से हमें क्या हुआ, पी एक्स प्राप्त हो गया, पी एक्स प्राप्त हो गया बहुपद, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह करेंगे चार नंबर को, ठीक है, चार नंबर को हल करेंगे। तो आइए अब देखेंगे हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को, यानी कि चार और एक दिया हुआ है योग और गुणनफल, यानी चौथे नंबर प्रश्न में शून्यकों का योग दिया है चार, और ये सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, तो चार को हम लोग लिख सकते हैं चार बट्टे एक, और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है वन, और ये सूत्र होता है सी बाई ए, और वन को हम लोग वन बाई वन लिखे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होने वाला है ना जी, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या करें, यहाँ पर हम लोग ये लिखेंगे, अब ए के सामने वन, ए के सामने वन तो वन लिखेंगे, बी, बी के सामने चार है तो मैंने बता दिया कि उल्टा चिन्ह लेना है, प्लस चार है तो माइनस चार लीजिए, सी के सामने वन है तो वन रख दीजिए। अब लिखिए, अब द्विघात बहुपद के मूल रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके मूल रूप में हम लोग ए बी और सी का मान रख देंगे, यानी कि ए के जगह पे वन रख देंगे, प्लस बी के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस चार गुण एक्स, और सी के जगह पे क्या रख देंगे, वन रख देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर वन से गुणा करेगा तो एक्स स्क्वायर होगा, या माइनस चार एक्स हो जाएगा और प्लस वन। इस तरह से आपका पी एक्स प्राप्त हो गया, बहुत ही आसान है, अब तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ना आपको, ठीक है। तो अब हम लोग पांचवें प्रश्न को देखेंगे, यानी पांचवें प्रश्न में शून्यकों का योग दिया हुआ है माइनस वन बाई फोर, और सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है जी यहाँ पे, चार, एक बट्टे चार, यानी कि देखिए एक बट्टे
चार और ये होता है सी बाई ए, और इसको तो बट्टा में कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि ये तो पहले ही से है ना, तो नहीं चेंज करते हैं। तो बताइए ए के सामने क्या है, चार, यहाँ भी ए के सामने क्या है, चार, तो ये बराबर क्या लिख देंगे, चार। और बी के सामने, बी के सामने क्या है, माइनस वन, माइनस वन है तो क्या लेंगे जी हम लोग, प्लस वन लेंगे। और सी के सामने क्या है, वन, तो वन रख दीजिए, सी बराबर वन। इस तरह से एबीसी प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे अब द्विघात बहुपद के मूल रूप, द्विघात बहुपद के मूल रूप बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मान रख दीजिए ए बी सी का, ए बी सी का मान यहाँ रख देते हैं, तो ए की जगह पे रख देंगे चार गुणे एक्स स्क्वायर, और बी के जगह पे रख देंगे वन गुणे एक्स, और सी के जगह पे रख देंगे वन। तो इस तरह से प्राप्त हो गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यानी कि हमें पी एक्स प्राप्त हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बहुपद। तो हम लोगों ने चार को कम्प्लीटली हल कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न में पांच के सभी कंटेंटों को, ठीक है। तो आइए पांचवें नंबर को हल करते हैं। तो आइए हम लोग देखें द्विघात, पांच नंबर का है द्विघात बहुपद पी एक्स ज्ञात करें, जैसे चार में हम लोग पी एक्स ज्ञात कर रहे तो उसी इसमें भी है, ठीक है। और यह कह रहे पी टू बराबर जीरो और पी माइनस फोर बाई थ्री इक्वल टू जीरो, यानी कि यहाँ भी आपको दो शून्य एक दिया हुआ है, बस भाषा चेंज कर दिया है, यानी कि कह रहे एक शून्य एक टू और दूसरा शून्य एक चार बट्टी तीन है। तो हमें पी एक्स ज्ञात करना है, उसके बाद ये भी दिखा देना है कि पी माइनस टू बराबर आठ होगा, यानी कि एक से माइनस टू रखेंगे तो आठ आएगा, ये भी दिखाना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिख लें कि अल्फा यानी पहला शून्य क्या है, हल अगर करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग अल्फा घोषित करेंगे, अल्फा बराबर क्या है टू, और बीटा बराबर कितना है ये माइनस चार बट्टे तीन, यानी कि अब हम लिखेंगे शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर टू प्लस माइनस फोर बाई थ्री, जोड़ेंगे इसको, ठीक है, जोड़ते हैं तो हो जाएगा तीन उन्हें छः, छः में से चार जाएगा दो बट्टे तीन, और सूत्र तो आप सभी जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है शून्यकों का योग का। अब निकालेंगे गुणनफल, यानी दो गुणे माइनस चार बट्टे तीन, चार में दो से गुणा करेंगे तो माइनस आठ बट्टे तीन, और ये होता है सूत्र सी बाई ए। तो इतना तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है क्या। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ए बी सी प्राप्त करेंगे, ए बराबर देखिए ए के सामने क्या है तीन, यहाँ भी तीन है तो ए बराबर तीन, बी बराबर कितना, बी के सामने दो है तो मैंने बताया था कि उल्टा चल लेना है, यानी माइनस दो ले लेंगे, सी बराबर कितना, सी के सामने माइनस आठ। तो अब हम क्या करेंगे, सेम चार नंबर प्रश्न की तरह करने वाले हैं, यानी कि मूल द्विघात के मूल रूप लेंगे, द्विघात बहुपद के मूल रूप ले लेंगे, तो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना होता है। अब आप क्या करिएगा कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में क्या करेंगे, ए बी सी का मान रख देंगे, तो चलिए रखते हैं ए की जगह पे क्या रख देंगे, तीन गुणे एक्स स्क्वायर ना प्लस माइनस दू, क्योंकि बी का मान माइनस दो है तो बी के जगह पे माइनस दू गुणे एक्स, और सी के जगह पे क्या रख देंगे माइनस आठ, और इस तरह से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा तीन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर में तीन से करेंगे तो तीन एक्स स्क्वायर, माइनस दो में एक से करेंगे तो माइनस दू एक्स और माइनस आठ। इस तरह से हमें क्या बहुपद प्राप्त हो गया, ठीक है, बहुपद प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या पी एक्स प्राप्त हो गया, और यही निकालना था, और निकालने के बाद आपसे कहा था ये वाला मीटर कि p माइनस टू बराबर आठ दिखाना, यानी कि एक जब एक क्या रख देंगे एक जगह पे माइनस टू, तो रखते हैं p और एक जगह पे रख दीजिए माइनस टू, यानी जहां जहां x वहां माइनस टू रखिए, तीन गुणे माइनस दो का स्क्वायर और माइनस ये दो गुणे एक्स जगह पे क्या रखिएगा माइनस दो आप माइनस आठ, चलिए गुणा करते हैं दो दूना चार, माइनस माइनस प्लस हो गया तो चार तीन आई बारह, और ये माइनस माइनस प्लस तो दो दूना प्लस चार और ये माइनस आठ। अब यहाँ बारह और चार कितना हो जाएगा सोलह, सोलह में से आठ जाएगा तो क्या बचेगा आठ बचेगा, यहाँ लिख देते हैं क्या बचेगा आठ। और देखिए तो आपको यहाँ कहा था ना जी कि पी माइनस टू बराबर क्या दिखाना है आठ, तो पी माइनस टू हम लोग रखे तो आठ नहीं आ गया, तो इस तरह से ये प्रूफ्ड भी हो गया, यानी कि हमने इसे दिखा भी दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने तीसरे हल कर लिए हैं, और अब यानी कि क्वेश्चन नंबर फाइव का पहला हल कर लिया है।
अब हम दूसरे कॉल करेंगे, ठीक है, चलिए दूसरे नंबर। तो अब हम लोग देखेंगे इसके दूसरे प्रश्न, कर यहाँ पी थ्री बराबर जीरो और पी फोर बाई सेवन बराबर जीरो, यानी कि इसके भी दो शून्य दिए हुए हैं, एक थ्री दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है, चार बटे सात। तो हम लोग पहले इसको हल करते हुए लिखेंगे कि अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, थ्री लिखेंगे, बीटा बराबर कितना लिखेंगे, चार बटे सात लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करिएगा, जब लिख लिए तो शून्यकों का योग निकाल लीजिए, यानी तीन जोड़ चार बटे सात, तो बट्टा का जोड़ कर लीजिए, लगभग सात इक्कीस चार क्या हो जाएगा, पच्चीस बट्टे सात, और सूत्र तो पता ही है ना, माइनस बी वाई ए होता है। और हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यानी तीन गुणे चार बट्टे सात, यानी चार तीन आई बारह और बट्टा में सात, और इस सूत्र होता है सी बाई ए। तो आप सभी बता सकते हैं ना अब कि ए का मान कितना आएगा, ए के सामने सात है, यहाँ भी देखिए ए के सामने सात है तो सात लिख दीजिए। बी का मान कितना आएगा, बी के सामने क्या है, पच्चीस, और चिन्ह प्लस है तो मैंने क्या कहा है आप लोगों को, उल्टा चिन्ह ले लीजिएगा। और सी के सामने क्या है, बारह, तो लिख दीजिए बारह। अब क्या करिएगा, अब द्विघात बहुपद के मूल रूप लिख लीजिए, कितना होता है बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही ना होता है जी, द्विघात के मूल रूप यही ना होता है। और इसमें जब लिख लेते हैं तो आप क्या करिए, ए बी और सी के जगह पर य और य मान रख दीजिए, यानी कि एक जगह पे क्या रख दीजिएगा, ए के जगह पर रख दीजिए सात गुणे एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर रख दीजिए माइनस पच्चीस गुणे माइनस पच्चीस से बी का मान गुणे एक्स, और सी के जगह पे क्या रख दीजिए बारह, यानी कि ये हो जाएगा सात एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस एक्स प्लस बारह। इस तरह से क्या है, यहाँ पी एक्स यानी कि हम लोग बहुपद प्राप्त कर लिए। जब बहुपद प्राप्त कर लिए तो अब हम लोग को उसी प्रश्न की तरह क्या करना है, पी वन बराबर माइनस छः दिखा देना है। तो माइन वन रखेंगे तो हमें हल करने पर क्या आना चाहिए, माइनस छः आना चाहिए। तो देखिए हम लोग रखते हैं, यानी पी एक्स जगह पे क्या रखें, पी एक्स जगह पे क्या रख दें, वन रख दीजिए, और जहाँ जहाँ एक से वहाँ वन कर दीजिए, यानी सात गुणे वन का स्क्वायर माइनस पच्चीस गुणे वन प्लस बारह, यानी वन का स्क्वायर वन होता है, वन में सात से करेंगे तो सात, ठीक है, और माइनस पच्चीस गुणे वन माइनस पच्चीस और प्लस बारह, तो बारह और सात उन्नीस होता है, उन्नीस में से पच्चीस को निकाल दीजिए, माइनस पच्चीस में से उन्नीस को निकालिएगा तो माइनस छः ही ना आएगा जी, तो यही ना पूछा जा रहा था, तो आ गया, तो लिख दीजिए प्रूफ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, पाँच का दूसरा बना लिए और हम लोग करेंगे पाँच के तीसरे के हल को, ठीक है, पाँच के तीसरा हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के तीसरे को, करें उसके शून्यक सात, यानी एक पी एक्स ज्ञात करना है जिसके शून्य एक सात और माइनस पाँच हो, एवं अचर पद सत्तर हो, यानी कि सी जो हो क्या हो, सत्तर हो, तो या इसी को संकेतिक रूप में दे दिया है कि पी सात बराबर जीरो, यानी कि एक शून्य एक सात है, पी माइनस पाँच बराबर जीरो, यानी दूसरा शून्य एक माइनस पाँच है, और सी जो है यानी कि अचर पद जो है, अचर पद यानी कि यह वो क्या है, सत्तर है, ठीक है, पी जीरो जो है क्या है, सत्तर है। तो चाहिए इसको हल करते हैं, हल करते हैं कि आपको पहला शून्य यानी कि अल्फा बराबर सात दे दिया है, बीटा बराबर क्या दिया है माइनस पाँच दे दिया है, तो शून्यकों का योग निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा यानी सात जोड़ माइनस पाँच, तो सात में से पाँच जाएगा क्या बचेगा, दो बचेगा, और सूत्र होता है सी वाई ए। तो हम लोग दो को लिख सकते हैं ना, दो बटे एक, ठीक। अब यहाँ शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, यानी सात गुणे माइनस पाँच तो कितना हो जाएगा माइनस पैंतीस, और सॉरी यहाँ पे सूत्र गलत हो गया है, माइनस बी वाई ए, और ये होता है सी वाई ए, ठीक है, यानी कि माइनस पैंतीस बटे एक। तो हम लोग ए बराबर कितना लिखे, जल्दी से बताइए, ए बराबर क्या होगा, वन होगा, बी बी के सामने क्या है, दो, दो का उल्टा चिन्ह ले लेंगे हम लोग क्या है, यानी कि माइनस दो, और सी की जगह पे क्या है माइनस पैंतीस है, ठीक है। तो अब लिखेंगे अब द्विघात के मूल रूप यानी कि कितना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस
सी। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी के जगह पे इसके मान को रखेंगे, यानी ए की जगह पे क्या रखेंगे, वन, वन गुण एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस बी के जगह पे माइनस टू गुण एक्स और सी के जगह पे माइनस 35। तो एक्स स्क्वायर मान से करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स और ये हो गया माइनस 35। यानी कि अब हम चाहें तो ये शून्य के तो पी एक्स यानी पी एक्स प्राप्त कर लिए, तो हम चाहें तो दोनों यानी कि सभी पदों में दो से गुना कर सकते हैं, दो से गुना कर सकते हैं, यानी टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और माइनस 35 गुना 70। क्योंकि अगर हम चाहें तो दोनों सब में से दो कमन लेकर इक्वल टू के उस साइड भेज दें तो कट कर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी उस साइड जीरो रहेगा। तो इस तरह से हमें क्या हो गया, बहुपद प्राप्त हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अचर पद 70 कहा था ना, अचर पद 70, तो अचर पद सी कहलाता है, 70 आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ आज के क्लास समाप्त किया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमारे क्लास से बहुत लाभ प्राप्त कर रहे होंगे, क्योंकि ये गणित है और दसवां में इसकी बहुत वैल्यू है। तो आप इसी तरह हमारे सभी क्लास को देखते रहें, और देखने के बाद इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट भी लिखें, शाबाशी या नाइस वेरी नाइस लिखें, इससे हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त होता है।